थंबनेल बनाने दो, ऐसे ही थंबनेल्स बनते हैं। ये सुबह से मुझे 10 बारी कह चुकी है कि ये हीरोइन बन के घूम रही है, तो मैं इसको ये कह रही हूँ अपनी तारीफ सुनिए तो डायरेक्टली बोल दो ना, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली किसी को चिपकाने की क्या जरूरत है। तो इसके लिए हेडलाइन होनी चाहिए कि एक लड़की आईपीएस और आईएएस होने के बाद भी पिटी, क्योंकि मैं इसको पिटने वाली हूँ, दोस्त से पिटी। सच में नहीं, ये तब से एकदम टिप टॉप होके घूम रही है कि लल्लन टॉप वाले आएंगे। अब मैं इसको कह रही हूँ फुल हीरोइन बन के घूम रही है लड़की, खूबसूरत तो है ही। जो दो आप चुलबुली सी बालिकाओं को देख रहे हैं, ये कल को एक बनेंगी जिले की कप्तान डीएम, और एक बनेंगी कस्टम कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर, या पता नहीं क्या क्या पद होते हैं। ये इनका परिचय जो ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं, जिन पे ताने कसे जा रहे हैं, ये दिव्या हैं। इनकी यूपीएससी में रैंक आई है कितनी, 89 105, यूपीएससी में 105। और ये मुदिता हैं, मुदिता की रैंक आई 381। तो मैं जो है दो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुकी बच्चियों के साथ बैठा हूँ, और इनकी जो हंसी मजाक वाली बातें हो रही थी इसको अब हम विस्तार देंगे। तो मैं ये नहीं, पहले नहीं पूछना शुरू कर दूंगा कि कितने घंटे पढ़ाई है, ये बताओ कि आज क्या क्या हुआ। आज ये हुआ, मतलब मुझे पता था कि रिजल्ट आने से पहले बहुत धक धक होगी, तो मैं सोई सुबह हूँ ताकि रिजल्ट आने से पहले मैक्सिमम नींद ली जाए। तो बस उठने के बाद कुछ नहीं, ज़्यादा मौका मिला नहीं था धक धक होने का, तुरंत रिजल्ट आ गया था। बस उसके बाद केक मिठाई ठूसे और कुछ नहीं किया। अच्छा ये देखो, मुदिता के कमरे में बहुत सारी मिठाइयाँ और केक भरे पड़े हुए हैं, इन्होंने हमें भी ऑफर किया है, लेकिन हमने कहा पहले इंटरव्यू कर लिया जाए, क्योंकि जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रात के 12 से ज़्यादा बज चुके हैं, क्योंकि हम इनकी कवरेज में बिजी थे और ये लोग भी बिजी थे। सुबह से करीब 200-400 कॉल तो रिसीव कर लियो। हाँ, इतने तो आए, अभी तो पेंडिंग में भी बहुत हैं। तो इब बेरा पाटेगा। इब क्या बेरा पाटेगा। क्या मतलब होता है इस लाइन का, मतलब अब पता चलेगा, अब पता चलेगा। ये हरियाणा की है, कैसे बोलते हैं अब ठंठा पड़ी। इतना इतना कितना समझ रहे हो आप, हमारा तो फिर भी समझ में आ रहा है सर, इसका बिल्कुल नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है, पता नहीं मेरे को तो नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। ठंठा पड़ी, अच्छा मुझे नहीं आती होगी शायद। ये हरियाणा से हैं, ये राजस्थान से हैं, और इब बेरा पाटे का बड़ा हरियाणा में चलन है, लोग मेरे एक दो दोस्त हैं वो बोलते हैं कुछ कुछ, तो मैंने वो लाइन दिव्या पे चेप दी कि ये मुझे भी हरियाणवी थोड़ी सी आती है। तो जैसे घर पे बातचीत हुई तो क्या बात हुई? घर पे मेरी मम्मी तो निश्चिंत थी कि तुम्हारा तो होना ही ये था, मेरी मम्मी तो ऐसे थी। जैसे मम्मी ने बताया वैसे बताओ हरियाणवी में। मम्मी तो ये कह रही थी कि हमने तो बेरो है, तेरो तो होनो ही है, तो तू ही दुखी हो रही थी, हम तो एकदम वो था कि हाँ होगो ही तेरो। मैं कहा फिर भी मुझे तो थोड़ी सी टेंशन थी कि पता नहीं, क्योंकि इस बार प्रेशर भी था कि आई एम ऑलरेडी एन आईपीएस ऑफिसर, तो मुझे था कि अगर इस बार नहीं होगा तो लोग ये कह देंगे कि क्या पता ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो थोड़ा प्रेशर हो जाता है। तो मैंने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया, अब मैंने केक वेक जो मिठाई विठाई सर ने खिलाई, इनको जरा केक वेक खिला दीजिए भाई, सुबह हमने बस वही खाए सुबह से, केक मिठाई बस। दिव्या की कहानी इसलिए दिलचस्प है कि दिव्या 22 साल की उम्र में आईपीएस बन जाती हैं और 23 साल की उम्र में आईएएस क्वालिफाई कर लेती हैं, और अब जो है आप एकदम से सोशल मीडिया पे सब जगह दिव्या दिव्या, और पूरा हरियाणा जो है वो मेरे नाम से फेक चीजें भी चलती हैं। मोस्ट डिमांडिंग बैचलर है वो, भी मोस्ट डिमांडिंग बैचलर है वो। अच्छा वो स्वयंवर करवाएंगी अब। ये मजे ले रही है और कुछ नहीं है, तो दोस्त तो मजे लेंगे ही ना। ये से मजे ले रहे, ऐसा कुछ नहीं। ये परेशान करती क्या? नहीं, मैं बहुत सीखती हूँ इससे, मैं मैच्योर लड़की है ये। देखो फट से जो है गियर चेंज कर लिया। नहीं, ये सही में मैच्योर है। अच्छा, और बहुत सारे रिश्तेदारों के फोन आए होंगे दिव्या? हाँ, उनके तो आए। आज तो रिश्तेदार भी बढ़ गए होंगे। हाँ, वो पिछली बार भी बढ़ गए थे, तो इस बार और बढ़ गए इस बार। हाँ, ये तो है रिश्तेदार। आपके सात पीढ़ियां सारी निकल के आ गई हैं। सारी निकल के आ गई। तो क्या क्या मैसेज फोन आ रहे हैं? मतलब मैं 250-250 कॉल्स उठा चुकी हूँ अभी तक, वही सबका, बड़ों को बोलो थैंक यू, आशीर्वाद रखना, बस यही। और ये से कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये लड़की कुछ करेगी, पहली लाइन सबकी यही होती है। हाँ। ये हमें तो पता था बचपन से, अरे तुम तो टॉपर रही हो, अरे हमें तो पता ही था, तो ये तो होता ही है। अब थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं। दिव्या, हम जब यहाँ बैठे हैं, ये दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका कहा जाता है, और यहाँ पे ये हॉस्टल में रह के इन्होंने पढ़ाई की, तैयारी की, और अब की बार यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो आप लोगों ने क्या रूटीन रहता था, थोड़ा थोड़ा आप बच्चों को बताएं, ताकि जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनको पता चल सके।
मतलब मैं तो नाइट आउल हूँ, तो मेरा उल्टा ही रूटीन रहता था। तो मैं यहाँ मेंटरशिप लाइब्रेरी का पार्ट थी, तो मैं शाम को 4 बजे जाती थी और रात को लाइब्रेरी खाली रहती थी, तो मैं अक्सर वहीं रात को ही पढ़ती थी। फिर 11 बजे खाना खा के 11 बजे रात को बैठना होता था, फिर सुबह 6 बजे तक बैठ के, और फिर मैं वापस आके 6:30-7 बजे सो के, फिर वापस 3 बजे उठ के, फिर 4 बजे लाइब्रेरी जाना। तो डिपेंड्स आपका शेड्यूल क्या है। मैं हमेशा से रात को पढ़ने वाली रही हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो मैंने वो किया। आपने? मैं तो दिन में पढ़ने वाली लड़की हूँ, फिर भी मेरे डार्क सर्कल हो गए हैं, इसके तो हो भी नहीं रहे। ये अलग कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन आज से ही हुआ है, इससे पहले नहीं था। आज सुबह से हो रहा है बस, ये आज दोपहर से। नहीं, मैं तो दिन में पढ़ती, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, तो मैं दिन में ही पढ़ती थी। जैसे सुबह लाइब्रेरी 8 के करीब चली जाती थी जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, और उसके बाद मैं दिन में ही पढ़ती थी, रात को मतलब मैक्सिमम 11 बजे बस, उसके बाद नहीं 11 बजे तक पढ़ती थी। मतलब ये आपको दो उदाहरण है उत्तम वाले, कि चाहे आप दिन में पढ़ें चाहे आप रात में पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। सात्विक और ये तामसिक वाले एकदम फुल है, ये बिल्कुल खाना नहीं खाती, योगा करती है, हम फुल खाते हैं चीज सब, हम उल्टा सोते हैं। नहीं होती है फिर भी ये मोटी नहीं होती है, मुझे ये प्रॉब्लम है सर, ये बहुत खाती है फिर भी मोटी नहीं होती है। हमें योगा करना पड़ता है फिर कंट्रोल हो जाएगी। हाँ अब ठीक है। हाँ, ये योगा वोगा का टाइम मिल जाता है? हाँ, मतलब थोड़ी देर, 15-20 मिनट बस सुबह, ज्यादा नहीं, कि हाँ बस ये प्राउड रहे कि योगा किया है। मतलब ये मन में बेसिकली ये इंटेंशन है मुख्य, कि हाँ योगा किया है, मतलब ये बात दिमाग में रहे कि हाँ आज योगा कर लिया, माइंड फ्रेश है वो बस। हाँ, फिर वो दिमाग रहता भी है फ्रेश, जिस दिन नहीं करते उस दिन लगता है आज तो योगा नहीं किया, आज तो पढ़ाई ढंग से नहीं होगी। और आपका मुदिता कुछ इन सब चीजों से वास्ता? दूर दूर तक नहीं। कभी दिव्या से मोटिवेट नहीं हुई? नहीं, ऐसे गलत मोटिवेशन नहीं लेते हम। और पढ़ाई में कैसा कोऑर्डिनेशन आप लोगों का रहा? हम अभी मिले हैं, मतलब कि हम इंटरव्यू के दौरान हमने बात करना शुरू की थी बस, उससे पक्के दोस्तों के इतने कम टाइम में पता था। हाँ, हो गए अब तो। ये जब हॉस्टल में आप रहते, और भी बहुत सारी लड़कियां रहती होंगी यहाँ पे? काफी, यहाँ पे 50+ गर्ल्स रहती हैं इस हॉस्टल में। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ आपके हॉस्टल से? हम दो ही ने इंटरव्यू दिया था और दोनों का हो गया। हाँ, मतलब हॉस्टल ने दो लोग इंटरव्यू में पहुंचे, 100% रिजल्ट आ गया। हाँ। तो आपके क्या सब्जेक्ट थे ऑप्शनल? मेरा हिंदी लिटरेचर ना। और आपका? हिंदी लिटरेचर। अच्छा, दोनों ने हिंदी। अच्छा, आपके बार मैंने सुना है कि हिंदी में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट। वो शायद हर बार ही हिंदी मीडियम वालों का तो हिंदी लिटरेचर में ही रहता है, इस बार भी वैसा ही, लगभग 30 सिलेक्शन है हिंदी लिटरेचर से। तो दिव्या, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं नवोदय से पढ़ी हूँ, मतलब नवोदय में मेरा सिलेक्शन हो गया था 6th क्लास में, तो मेरी 12th तक मैं वहीं से पढ़ी हूँ, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने वहीं अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो बस मैंने ग्रेजुएशन ही की है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी मैंने फॉर्म डाला है। क्या जरूरत है? पॉलिटिकल वो उसमें करते हैं ना, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं एमए, अब तो वो होगी इनकी लवासना में। हाँ, वो तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी मतलब कि पढ़ने का तो मौका मिले तो ठीक ही है। हाँ, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी। हाँ, मुझे भी अपने नाम क्या कि डॉक्टर लगवाना है। डॉक्टर लगवाना है? ये कॉम्पिटिशन कर रही है मेरे से। शी इज डॉक्टर मुदिता शर्मा। या मुझे बस वो चाहिए, डॉक्टर दिव्या तवर। ये इस पे राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए कि कौन से डॉक्टर के आगे क्या लगना चाहिए। उस वाले डॉक्टर के छोटा डॉट लगेगा और उस वाले डॉक्टर के आगे बड़ा डॉट। ब्रैकेट में PhD, MD, DM तो लिखा ही जाना चाहिए, है ना? वो वाले डॉक्टर ज्यादा मेहनत करते हैं आप वाले? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। पता नहीं है, पर हाँ डॉक्टर्स का रोल तो काफी, मतलब 10 साल तो उनका बेसिक ही है ना, MBBS किया, फिर MD किया, DM किया, तो 13 साल की आप सबकी सिर्फ पढ़ाई है। जैसे लोग कहते हैं कि 300 रुपए फीस ले ली जाती, वो 13 साल से पूरे बाल उड़ा चुका है ना, तब वो 300 रुपए फीस ले रहा है आपसे, तो व्हाट टफ पढ़ाई। फिर भी डॉक्टर UPSC में आ रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन अलग से पढ़ा दिया है, ये अलग से इतनी पढ़ाई कर रखी है, इन्होंने जॉब भी की है, उसके बाद अब UPSC। हाँ, मतलब आप डॉक्टर साहिब, आप तो MBBS कर लिया, आप राजस्थान के कहाँ से रहने वाली हैं? मैं राजस्थान की नागौर जिले के मेड़ता की रहने वाली हूँ,
तो मेरी स्कूलिंग जो है 8th क्लास तक वहीं के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में रही है, इसलिए मेरी स्कूल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी हिंदी बेटर होने में। और फिर वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 9th, 10th, 11th, 12th किया, और 10th में मेरी मेरिट भी थी, स्टेट टॉपर थी मैं, तो मेरे को जापान गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप भी मिला था। तो उसके बाद बस फिर चीज़ें फिर धीरे धीरे, वहाँ जब हम जापान गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या डिफरेंसेस हैं दो कंट्रीज़ में, तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं था कि कुछ बेटरमेंट के लिए करना है। फिर उसके बाद आपने MBBS कहाँ से किया? MBBS मैंने किया जोधपुर के ही डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से MBBS किया। फिर कोविड में क्योंकि सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी डॉक्टर्स की, तो फिर मैंने मेरी प्रिपरेशन को पॉज करके एक बारी जॉब की, फिर जब चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हुई तो फिर इस बार उसमें फील्ड में थी। हाँ, मैं PPE किट वाला प्रॉपर जो होता है सब डॉक्टर बन गई थी, तो इनका कॉम्पिटिशन क्यों बढ़ाने आ गई, क्या वजह थी? हाँ, बात और बढ़ाएंगी इस साल बच्चों का, कैसे? फिर से दे रही है ना ये अटेम्प्ट। हाँ, अभी आने वाले बच्चों को फिर से बढ़ाएंगी। थोड़ा सिस्टम समझाइए क्या है? मतलब इस बार इनको IRS मिलेगा मे बी, तो अभी फिर से प्रीलिम्स देंगी, इनको IAS बनना है ना, तो फिर से बच्चों का कंपटीशन बढ़ाएंगे ना मैम। आप कहो तो नहीं बढ़ाए। देख लो। और योगा भी नहीं करूंगी तब भी मैं, और खाऊंगी भी अनहेल्दी। डॉक्टर है ना, इनके पास सब चीज का इलाज है। सही कह रहे हो, बताती नहीं है लेकिन ये। अच्छा। हाँ, मैं पूछती भी हूँ कई बार, मुझे इतने डार्क सर्कल हो गए हैं देख लो, फिर भी नहीं बताते। इसके देखो बिल्कुल नहीं है। इसके तो अलग ही चिंता हो रखी है। आज दोपहर से हो रहा है कंपटीशन, उससे पहले नहीं था। बस आज दोपहर से हो रहा है इनको। अच्छा ये बताओ आप दोनों, कितना घंटा पढ़ना चाहिए मतलब डेडिकेशन के साथ? पूरी नींद होने के बाद जितना बचे बस। सोते तो हम दोनों ही बहुत हैं। हाँ। ये भी बहुत सोती थी, मैं भी बहुत सोती। कितनी नींद लेनी चाहिए प्रॉपर? मतलब मैं तो 9 घंटे तो लेती थी, 9 घंटे तो सोना ही है मतलब, चाहे उसको मतलब, कैसे भी पूरा करना मतलब 8:30 के 8 होते ही तो हमें लगता है आज नींद नहीं हुई ढंग से। मेंस के टाइम भी उस टाइम पर थोड़ा सा कम हो जाता है, वो इतना प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी, और नींद लेना मुझे लगता है ठीक भी है, मतलब जब तक आप अपना आपका माइंड फ्रेश नहीं होएगा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे उतने अच्छे से। हम तो मतलब पढ़ाई के बीच बीच में भी पावर नैप लेने वाले लोग हैं कि 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट सो के फिर उठ के 50 मिनट पढ़ा वाले। वो कारगर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ऐसा रिसर्चेस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 50 मिनट स्ट्रेट एक बार में रह सकती है, उसके बाद उसको ब्रेक की जरूरत होती है, तो मैंने तो किया ये। और 24 घंटे होते हैं, 9 घंटे सो जाएं तो उसके बाद भी पढ़ने का काफ़ी टाइम। तो दिव्या, जैसे आपने बहुत कम एज में ये सक्सेस हासिल की, और ये बहुत कम लोगों को ये मुकाम हासिल होता है कि इतने कम एज में उन्होंने पहले IPS निकाला फिर IAS। फैमिली बैकग्राउंड में कोई रहा है IAS IPS? नहीं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई नहीं रहा, मतलब इवन जब मैं पहली बार तैयारी कर रही थी तो कोई नहीं था मेरे, इस बार तो फिर भी मैं यहाँ मेंटरशिप में आ गई थी और बच्चे भी थे सराउंडिंग में। उस टाइम तो मेरे रिलेटिव या मेरे स्कूल से या मेरे कॉलेज से किसी में कोई नहीं था UPSC का, लेकिन मैं मेंस के टाइम यहाँ आ गई थी तो मेंटरशिप से मतलब मुझे बहुत। क्या है ये मेंटरशिप? मतलब दृष्टि का प्रोग्राम है इनका, कि ये हमें टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, हमारी बुक्स मतलब कॉपी चेक होती हैं, और मतलब मेंटर्स भी होते हैं आपके लिए कि आप इंडिविजुअल जाके अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं उनसे जाके। तो बाकी जितने टीचर होते हैं आप एक्सेसिबल होते हैं सारे? मतलब मेंटर्स वहाँ पे होते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको पढ़ाई नहीं करनी होती है, उस टाइम आपको सिर्फ डायरेक्शंस चाहिए होते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इम्प्रूव करिए या ये वाला पोर्शन आपका, तो वो मेंटर्स आपकी कॉपीज देख के बता देते हैं कि मतलब। हाँ। मेंटरशिप प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा ये कि कस्टमाइजेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि योर मेंटर नोज अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो वो एक उस पर वर्क हो जाता है इंडिविजुअली जब वो जानते हैं आपकी कॉपीज को देखते हैं। तो मुझे लगता है मेरे केस में भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं थी, तो कम टाइम में चीज़ें कैसे मैनेज हुई, तो मेंटरशिप इज अ वर्किंग थिंग। इसके क्या ज़्यादा पैसे लगते हैं? नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। या इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम थोड़ी देर पहले गए हुए थे इसी मुखर्जी नगर के, आपको वो वीडियो भी लिंक पर मिल जाएगा, तो वहाँ दो लड़के प्रिंस और गगन मिले, वो भी IAS के लिए क्वालिफाई किया है, उनके कमरे में हम थे, और ये मुदिता का कमरा है, तो आपको जो ये लड़का लड़की के कमरे की बात होती है उसका फ़र्क आपको समझ में आता है कि लड़कियां ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से रहती हैं, ऐसी बात यहाँ आकर के थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है ऐसा।
उससे भी अच्छी चीज कि वो उनका संघर्ष दूसरा है कि वो किराए पे कमरा लेके रहते हैं और ये इनको मेंटरशिप प्रोग्राम मिला हुआ है तो इसके थ्रू इनको अच्छा हॉस्टल। मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो एकेडमिक वाला पार्ट वाला प्रोग्राम है, वो रेजिडेंशियल नहीं है, बट दृष्टि का एक और जो स्कीम है अस्मिता वाला उसमें रेजिडेंशियल वाला पार्ट इंक्लूडेड है। हाँ, दैट्स टू आर डिफरेंट प्रोग्राम्स। ये तो खैर कोचिंग की बात होगी, सेल्फ स्टडी का क्या रोल होता है, कितना रोल होता है? मतलब सेल्फ स्टडी का रोल तो काफ़ी होता है क्योंकि आपको अपनी चीज़ें पता होती हैं कि आपको कौन सा पोर्शन मतलब अच्छे से आता है या आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है। तो मुझे लगता है सेल्फ देखो पढ़ना तो आपको ही है, करना तो आपको ही है, कोई आपको बता सकता है लेकिन वो चीज़ें आप ही करेंगे। तो मुझे लगता है हाँ भाई खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, मुझे सबसे यही लगता है इस जर्नी में कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। आपको पता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना मन लगा के पढ़ रहे हैं, कितनी ईमानदारी से। तो अगर आप खुद के लिए ऑनेस्ट रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वो मतलब पे ऑफ होगा आपको आपकी मेहनत का। तो पढ़ाई के अलावा जैसे सोशल मीडिया हुआ या फिर मूवीज देखना हुआ, ये सब इस पढ़ाई में हो पाता है प्रॉपर तरीके से? मैं तो प्रॉपर एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, सोशल मीडिया वाली एग्जाम से एक दिन पहले भी मीम पोस्ट करती हूँ मैं, मेरे को कोई लोड नहीं है। बढ़िया एकदम, मैं सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक्टिव रहती हूँ। और बस इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप कंटिन्यूसली एक दो घंटे चैट ही कर रहे हो तो वो आपके लिए हार्मफुल है, बट आप अगर लेस इंटरेक्टिव चीज़ें कर रहे हो और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो तो सोशल मीडिया हेल्प्स अ लॉट। तो मैंने तो उसको यूटिलाइज़ किया है। तो आपके बहुत सारे पेजेस बन गए हैं आपके नाम के, फेक हैं पता है। इन्होंने मुझे 10 दिन पहले एक एडवाइस दे दी थी कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ अपलोड कर दो क्योंकि वो खाली है तो वो रियल लगेगा कम से कम। तो पिछले 10 दिनों में हमने दो फेक चलते हैं, सब जगह फेक चलता है। हाँ, आधे से ज्यादा। सोशल मीडिया अकाउंट है आपका? हाँ, अभी तो इंस्टा पे है, मतलब मैं वैसे व्हाट्सएप यूज करती थी पहले भी, ट्विटर फेसबुक ये सब नहीं अभी तो। आपके तो बहुत सारे हैंडल भी बने हुए आपके नाम के। हाँ, वो क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए दिव्या जो है पूरा खंडन कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है इनके, इनका रियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो आप अपनी हेडलाइन में चलाइएगा ताकि वहाँ इनके फॉलोअर्स बढ़े और बाकी पेजेस डिस्करेज हो, ठीक है? हाँ, तो ये इनकी डिमांड है बहुत ज्यादा, आप उस डिमांड को फुलफिल करो। उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे कि उसका उसको कैसे आगे बढ़ाना है इनका। अब तो दिव्या कल को जो है जब IAS हो जाएंगी किसी जिले में तैनाती हो जाएगी तो इनके फॉलोअर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। हाँ, फॉलोअर्स का कोई लोड नहीं है। दिव्या अच्छा, फेक चीजें ना चलें। अच्छा, क्या क्या फेक हुआ आप? कुछ भी फेक हो जाता है, फोटोज में से मेरी बहुत कम फोटो होती है सोशल मीडिया, अभी आने लगी है तो एडिट कर करके किसी किसी की एडिट करके मेरा फेस चिपका, मेरे को तो वर्दी में भी DIG VIG बना दिया सर मुझे अभी से ही। तो उससे थोड़ा लगता है कि एडिटिंग ना हो तो ठीक है, किसी को मेंटली फिर वो होता है ना फील कि आप किसी का डांस चला रहे हो वो मेरे नाम से फेक चला रहे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं सर्च करते हैं, तो अब मेरे को सर्च करते हैं तो मेरे नाम से आप जो चीज़ें चला रहे हैं किसी और लड़की का, तो मुझे वो थोड़ा सा लगता है, मुझे लगता है ऐसा थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही लगता है आपको? ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल सही लगता है। और जो लोग भी ये काम करें, डांस एडिट ना करें, मेरे को तो डांस आता भी नहीं है, मेरे को तो हमने तो अब भी डांस नहीं किया पार्टी में भी। हाँ, पार्टी हुई आप लोगों की? बस खाने पीने की हुई, ऐसा मतलब क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है तो लड़कियां यहाँ पे सब प्रीलिम्स वाली, तो हमने सोचा कि डिस्टर्ब ना करें। सबको मिठाई खिला दी? हाँ, मिठाई सबको खिला। गाइडेंस अब प्रॉपर रहेगा? हाँ, प्रॉपर गाइडेंस रहेगा। एक जो बहुत जरूरी बात दिव्या ने कही है कि ये जो सोशल मीडिया पे आजकल फेक चीज़ों का चलन है, कि कोई अगर किसी का नाम हो गया, दिव्या आज जहाँ भी हैं अपनी पूरी मेहनत से हैं, पूरी दमदारी से हैं, पूरी ईमानदारी से, बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आती हैं, और उसके बाद ये मकाम हासिल करने के बाद ये आपको कतई इजाज़त नहीं देती कि आप इनकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करें, आप इनकी फ़ोटोज़ को एडिट करें या फिर वीडियो अपने लाइक्स एंड शेयर बढ़ाने के लिए करें। दिव्या की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है और अगर आप कुछ भी शेयर करते हैं या कुछ भी डालते हैं तो अगर आपको लिखना पढ़ना है तो दिव्या के ओरिजिनल फोटो के साथ लिखिए, दिव्या को शुभकामनाएं दीजिए, लेकिन इस तरीके की चीज़ें मुझे मेंटली भी कभी कभी बहुत फील होता है कि आप कुछ भी चला रहे हैं, कोई भी डांस चला, मतलब थोड़ा वल्गर भी जो होता है कि क्योंकि भाई आई एम एन ऑफिसर तो वो डिग्निटी मुझे खुद को ही मेंटेन कर, लेकिन जो फेक चीज़ें चल रही हैं ऑफिसर्स के ऑफिसर के अलावा भी आप एक लड़की हो, एक महिला हो और उसका व्यक्तिगत एक सम्मान होता है, पर्सन ही आप डिजर्व करते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप थोड़े से फेमस हैं, लोग आपको सर्च कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे सिलेक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाए, उसके लिए सर्च किया जाए। और मैं तो YouTube का कोई मेरा चैनल नहीं, लेकिन मेरे नाम से इतना फेक सब कुछ, वो ठीक है कि आप
अगर बच्चों को मतलब मेरी चीज़ें दिखा रहे हैं मतलब मेरे स्ट्रेटजी के बारे में वो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें ना करें जिससे मुझे प्रॉब्लम हो कि मेरी फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, किसी की भी फ़ोटो पे मेरी फ़ोटो डाल रहे हैं। तो बस इसीलिए आजकल कुछ लोगों को ज़रा बड़ा बेफजूल का रोज़गार मिला हुआ है कि कोई बच्चा सक्सेस हो जाए या कोई व्यक्ति सक्सेस हो जाए तो उसके नाम से फेक चीज़ें बना के बनाना। और हमारी निजी राय भी, हमारे संस्थान की भी राय यही और समाज की भी राय यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे किसी भी बच्चे के मानसिक असर पड़ता है और उसके अगर इतना डेडिकेशन ना हो तो कई बार उसके रिजल्ट में भी उसका फ़र्क नज़र आ जाता है। तो दिव्या, अभी जैसे अब आपका सिलेक्शन हो गया, घर वाले खूब खुश होंगे, मम्मी से बात हो रही होगी और भी लोग तारीफ़ कर रहे होंगे, कभी ये सोचा था कि इतने कम एज में ये सक्सेस मिल जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन मेरा थोड़ा शुरुआत से क्लियर था कि मुझे UPSC करना है और मुझे लगा थोड़ा भगवान का साथ रहा, मतलब कि पहले अटेम्प्ट में भी मतलब आई गोट IPS और इस बार भी, पर मैंने मेहनत की, मतलब मेरी मेहनत में वो है ना कि मैं बस अपने लिए ईमानदार थी, मुझे पता था कि हाँ पढ़ना है और मतलब मेहनत करें, तो मुझे लगा कि बस भगवान का साथ रहा तो शायद मिल गया वो जो चाहिए। भगवान के साथ साथ आपकी अपनी मेहनत भी है। और वैसे घर में आपके कौन कौन है जो आपको एकदम सपोर्ट करते हैं? मम्मी है मेरी, मेरी सिस्टर है छोटी और मेरा भाई है छोटा, मतलब मैं बड़ी हूँ, हम हाँ बच्चों में बस। ये देखिए, मतलब आप इनके आंखों में चमक देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ हासिल कर लिया है। तो मैं देख रहा हूँ बीच बीच में ना आपका जो है हरियाणवी निकलने को आता है, ऐसा होता है? बल्कि मुझे तो लोग ऐसे कहते हैं मैं हरियाणा से लगती नहीं हूँ। किसने कहा? हाँ, कहते किसने कहा? प्रॉपर लगती है। नहीं, पर मुझे ऐसा सुनना ही नहीं है कि मैं हरियाणा से नहीं लगती हूँ। अच्छा। मुझे सुनना है कि मैं हरियाणा से लगती हूँ, मतलब वो चाहिए मुझे एरोगेंसी। और जब मैं IPS थी तो मुझे बहुत, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा, लेकिन हो ही नहीं पाता है सर एरोगेंट, मतलब कि क्योंकि हरियाणा में मतलब लड़कियां थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, और मैं हूँ लेकिन लोगों को लगती नहीं हूँ, ऐसे कहते हैं आपकी आवाज़ से नहीं लगता, आपके उससे नहीं लगता। वो शायद इसलिए हो सकता है कि मैं बाहर पढ़ी हूँ, थोड़ा हॉस्टल में रही हूँ, तो शायद इस हॉस्टल में जब आपने बोला तो लगा। हाँ, ये लगा कि आप हॉस्टल में, ये आई एम प्राउड, मतलब मैं अपनी मतलब लैंग्वेज पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ मुझे अच्छा। एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जैसे हरियाणा पहले थोड़ा सा रूढ़िवादी स्टेट माना गया या फिर और भी कई सारे स्टेट हैं, लेकिन उससे आप देखो कि लड़कियां कितना बेहतर कर रही हैं, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे एथलीट हो, चाहे और अब जो है दिव्या जैसी लड़कियां भी निकल रही हैं, तो फिर हरियाणा को तो पूरा प्राउड होगा ही, पूरे इंडिया को आप पे प्राउड है। It's my owner की, हाँ ऐसा है। बस ये आपकी दोस्त को थोड़ा सा दिक्कत है कि जो इनको मुझसे समस्या है, मुझे इनको मुझसे, मुझे नहीं समस्या इनसे। तो मुझे तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे ग्रैंडफादर अभी एक्सपायर हो गए, तो ही हैज बीन माय इंस्पिरेशन, और मेरी दादी जी हैं, और मेरे फादर हैं जो कि प्रिंसिपल है, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, बट बोथ माय पेरेंट्स हैव सैक्रिफाइस्ड मैनी थिंग्स, मतलब वो पूरी पूरी रात जगने वाले लोग हैं कि बच्चा पढ़ रहा है तो हम पूरी रात अल्टरनेट जगेंगे, पहले मम्मी फिर पापा, रात को बनाना खिलाना वाला टाइप्स। तो हमारे घर का माहौल शुरू से पढ़ाई वाला ही रहा है, मतलब उन्होंने एक ट्रिप भी नहीं किया है आज तक इन एंटायर लाइफ, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पर वो की है और वो फ्रूटफुल भी हुआ है। हम चार भाई बहन डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर है, तो मेरे फादर का जो सपना है उसको हम पूरा करेंगे। एक IRS हो गई है, चार में से डॉक्टर में से माइनस हो जाएगा ना, IRS वाले में आ जाएगा। और ये भी है कि मेरे पापा खुद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट तब उनका लेक्चरर में हो गया तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो ही हैज बीन मोर हैप्पी कि मेरी बेटी ने कर दिया है। और एक शिक्षक के लिए इससे ज़्यादा खुशी की अनुभूति क्या हो सकती है कि उसकी बेटी जो है और उसके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं शिक्षा में। खैर, अब आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपका ग्राउंड पे काम करने का मौका मिलेगा। बहुत अभी ये पूछना ना कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हो, ये बड़ा क्लीशे सा सवाल हो जाएगा, लेकिन बेसिक सा है कि आप थॉट क्या रखते हो, मतलब समाज के लिए किस तरीके की सोच रखते हो कि इसको किस तरीके से आगे ले जाना? मुझे बेसिकली मतलब मेरे जो माइंड में है कि मैं तो बेसिकली महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, मतलब क्योंकि मैं गाँव में रही हूँ और क्योंकि मैं अपनी मदर के बहुत क्लोज हूँ, तो मैंने उनकी जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, मतलब एज ए गर्ल मैंने अपनी प्रॉब्लम्स देखी हैं जो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरा सारा फोकस वहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं रखूँ उनके। और चूंकि मैं हरियाणा से हूँ, हमारे वहाँ पे थोड़ा सा है, मतलब अब तो खैर काफ़ी चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लड़कियों को लेके रहता है कि मतलब बस थोड़ा पढ़ाओ ऐसे, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब
मैं उनके एजुकेशन पे, हेल्थ पे वहीं काम करूँ, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे, मतलब लड़कियों को काबिल बनाना इकोनॉमिकली मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर लड़कियाँ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तो मुझे लगता है फिर अपने आप उनका सोशल प्रोग्रेस हो जाता है, तो मैं वहीं काम करना चाहूँगी, कोशिश करूँगी कोई अच्छा, मतलब अगर हरियाणा मिले तो, लेकिन जहाँ भी मिलेगा मतलब मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ की महिलाओं की चीज़ों को समझ के और उस हिसाब से काम करूँ। इतनी कमाल की बात कही दिव्या ने। मुदिता आपके क्या थॉट प्रोसेस है? क्योंकि हेल्थ मेरा बैकग्राउंड ही है, मैंने पढ़ाई है, तो ऑब्वियसली मैं उस नॉलेज को यूटिलाइज और पाइपलाइन करना चाहूँगी ब्यूरोक्रेसी में। और एक मुझे लगता है कि शायद अप्रोच मेरी थोड़ी डिफरेंट रहेगी चीज़ों को लेके। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो ऐसा होता है कि जैसे हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया, जैसे हमने बोला कि प्लास्टिक बैन करना है, फिर भी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, तो मैं मतलब मेरा बेसिक अप्रोच ये रहेगा कि क्यों नहीं हो पा रही है वो, जैसे क्यों वो लोग जो है हेल्दी चीज़ें नहीं ला पा रहे, सस्टेनेबल चीज़ें नहीं ला पा रहे, तो एक अप्रोच का डिफरेंस लेके वाई पे ज़्यादा फोकस करके और चीज़ों को फिर मैं आगे ले जाना चाहूँगी। तो हेल्थ तो मेरा कोर सेक्टर है ही है और बच्चे मुझे बहुत पसंद है, नहीं तो मैं पीडिया में पीजी करती, तो अब मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ भी डायरेक्शन रहेगा। ना बार बार ऐसे डिब्बा खोल के देख रही है, तुम खा लो अगर तुम्हें भूख लग रही है तो। अपने लिए लाई है ये सर? नहीं, मेरे लिए भेजा गया है ये गिफ्ट और आप इसमें से खा सकती है, बिल्कुल खा सकती है। आज वैसे बहुत ज्यादा मीठा खा लिया है। कोई बात नहीं, सुबह योगा कर लेना, ठीक हो जाएगा। अब सुबह योगा नहीं होगा, अब सिलेक्शन हो गया है। आप IPS बन गई थी तो फिर IAS के लिए क्यों प्रिपरेशन की? और आपके पास भी आऊंगा कि आप IRS बन गई तो आप क्यों IAS बनना चाहती? अब आप पहले बता दें। नहीं, मुझे तो शुरुआत से ही मतलब IAS ही बनना था, मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने IAS के लिए सोचा था कि मुझे IAS बनना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल्स को हैंडल करने से ज़्यादा मुझे डेवलपमेंटल वर्क करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं पॉलिसी बनाऊँ, मैं ऐसे डिसीजंस लूँ कि मतलब लोगों की लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, तो मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी IAS के लिए ज़्यादा अनुकूल है, तो इसलिए। तो आप IAS बन? हाँ मोदी तो मतलब मेरा आइडिया ये है कि बेसिकली हम लोग ना हेल्थ की वो डेफिनेशन पढ़ते थे कि हेल्थ क्या होता है, तो होती थी कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की जो बात होती है वो हेल्थ होती है। तो जैसे मेडिकल फील्ड भी है तो उसमें सिर्फ फिजिकल और कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल उस पर बात होती है, लेकिन सोशल वेलबींग की बात हम नहीं करते हैं। तो मैं हेल्थ के उस आस्पेक्ट पर वर्क करना चाहूँगी, और हेल्थ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है तो जैसे राजस्थान मॉडल रहा है, जैसे जेनेरिक मेडिसिन राजस्थान लिखा है, तो वैसा कोई एक ऐसा डेवलपमेंटल चेंज जो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके इंडिया के हेल्थ सेक्टर में, तो वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही पॉसिबल है, वो केवल मेडिकल के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं अपग्रेड ही करना चाहूँगी अपने आप को। और विकास सर ने कहा भी है कि नौकरी तो बस IAS ही है, बाकी तो सब नौकरियां हैं। कहते हैं सर ने किसी, वो बहुत मतलब चलता है लोगों में। अच्छा। कि नौकरी तो बस भारत में एक IAS ही है, बाकी तो नौकरियां हैं। ऐसा तो नहीं है, सारी नौकरी की अपनी अपनी बात होती है। वो तो फिर खुद बन जाते हो तो फिर थोड़ा कहना पड़ता है। ये हो सकता है। मतलब मेरा पर्सनली डिफरेंट थोड़ा मानना है, मतलब एक स्वीपर भी अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, या मेट्रो पे कोई गार्ड भी अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो अपनी कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सब अपनी कैपेसिटी का फुल्ली पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाए, वो नौकरी ज़्यादा बेटर है बजाय कि आप किसी और को एम कर रहे हैं। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट इस पर। हाँ, हो सकता है। मैं भी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई काम गलत, छोटा है बड़ा है, मेरे बस कहने का मतलब है कि सर का ऐसे चलता है और हम सर के फॉलोवर हैं, तो थोड़ा सा मतलब वो बस ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। बहुत दिलचस्प है, दोनों से बातचीत की हमने और कितने सहज तरीके से बात की, कैसे इन्होंने तैयारी की उस पर भी बात हुई, और इनका जो थॉट प्रोसेस है उस पर बात हुई, जो इनके चैलेंजेस हैं उस पर भी बात हुई, और बहुत बेबाकी से दिव्या आपने भी और मुदिता आपने भी बात रखी। लल्लन टॉप के जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, वो मुझे उम्मीद है कि वो आप दोनों की बहुत सराहना करेंगे, क्योंकि इतना बोल्ड होकर के खुल के बात करना, अपनी चीज़ों को रखना बेहतर तरीके से, ये बहुत ही आसान चीज़ नहीं होती है। कई बार आप होता है कि आप बोलते अच्छा हो लेकिन कैमरा ऑन होता है तो लोग नहीं बोल पाते, लेकिन आप दोनों ने एकदम बढ़िया शुरुआती एकदम बढ़िया है, और दोनों वाचाल तरीके से लड़ते हुए आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, समाज के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए
कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, ये आपको शुभकामनाएं हैं। और आपके जितने साथी हैं इस हॉस्टल के, उनके भी कमरे में इसी तरीके की मिठाई अगले बरस आए, इसकी भी हम कामना करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हम भी इस वीडियो को लास्ट में वो करना चाहेंगे कंक्लूड कि ललन टॉप हम देखते हुए बड़े हुए हैं, तो ललन टॉप पे आना हमारे लिए भी प्रिविलेज है, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ मैं देखती हूँ, विकास सर का आपने इंटरव्यू लिया वो देखा, एक ईरा सिंगल मैम का आया आपके उस पे वो देखा, तो मैं भी देखती हूँ। ललन टॉप के लिए भी ये कमाल की बात है। इसी नोट पे हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे, कैमरे के पीछे मेरे बहुत ही दमदार दोस्त पंकज हैं, पंकज सैनी, ये भी हरियाणा से ही हैं, दिव्या के। हम इनको सर को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, इनको भी फ्रेम में लीजिए, हमारे मेंटर्स और हैं ये। सर आइए ये सर ने बहुत ज्यादा मेहनत की है हमारे ऊपर, तो ही डिजर्व्स दैट ओनर। इन दोनों का ही योगदान है, पढ़ाई का है, ये बहुत मेहनती हैं। अपने अपने बैकग्राउंड में इन्होंने जहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी वहाँ खूब अच्छा परफॉर्म किया है, फिर एक मेंटर के तौर पर और एक संस्था दृष्टि संस्थान में एक काम करने के तौर पर मैं खुद भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ऐसे स्टूडेंट के साथ टाइम स्पेंड करना, इनके साथ काम करना, डिजर्व करती हैं दोनों। और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि आज के 10-20 साल बाद जब आप देखेंगे तो सोच इस तरह की लाइफ में जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़े बदलाव ला सकता है, कोई ऑफिसर बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है, तो इन दोनों के बारे में आप कहानियाँ सुना करेंगे आगे जी। तो आपको पूरी ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।